केएमयू ने कई आंसर्स की जारी कर दी हैं जिनमें बीएलएलबी की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब डिटेल्स आई हुई हैं। बीएलएलबी देखिए सबसे ऊपर दिया हुआ है, देन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं इनके सामने। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कौन कौन सी डेट्स हैं। देखिए ये डेट है 5/6/2019 यानी कि कल। आप इसके लिए ऑब्जेक्शन कल तक रेज कर सकते हैं। कैसे रेज करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे आगे बढ़ेंगे। क्लिक करने के बाद तो आपको एक वहाँ पे जो पेज खुलेगा उस पर लॉगिन करना होगा, लेकिन लॉगिन करके आपको बताना होगा कि ये क्वेश्चन में डाउट है और ये डाउट का कंफर्मेशन के साथ बताना होगा कि ये क्वेश्चन जो है गलत है आपका, या इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, या जो भी पूरी तरह से गलत है, ये जो हमें इस पर ये ऑब्जेक्शन है इसका ये होना चाहिए कन्फर्मेशन के साथ। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में ये जुनून है तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करें। और ऐसे क्वेश्चन में कई बार होता है कि सभी बच्चों को फ़ायदा मिल जाता है, उन बच्चों को खास तौर पे जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। आगे चलते हैं। देखिए बीटेक एंड बीआर के लिए भी इन्होंने सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। चार, हालांकि इसकी आज लास्ट डेट है, 4 जून ही है। आगे बात करते हैं MSW की, देन MBA फाइनेंस के लिए 31/5 थी, ये तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। MCA एक्सपायर हो चुकी है, MSc बायोटेक एक्सपायर हो चुकी है, MBA देन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ये बचा हुआ है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, जो बच्चे इससे कंसर्न हैं वो यहाँ जा कर के क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके और फिर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ऐसे ही अभी डेट बची हुई है BA ऑनर्स ये वाली, देन आपका ये बची हुई है SSC वाली, होल्ड ऑन, ये ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स यानी कि क्लास 11 के लिए। और यहाँ पे साइंस की आज लास्ट डेट है। अगर आपने ऑब्जेक्शन है साइंस के सवालों में, 11th का एग्ज़ाम आपने दिया है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और बाकी डेट्स भी आप देख लीजिए 1 by 1 ताकि फिर आगे बढ़ा जाए। उसके बाद देखिए अब हम चलते हैं कैसे हम डाउनलोड करेंगे अपनी आंसर की, कैसे देखेंगे उस पर। तो यहाँ पर आप पहले BLLB देख रहे हैं, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए क्योंकि आज ये बड़ी क्रूशियल है, कल तक का टाइम है और बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, बड़ी डिमांड रहती है, यहाँ पर बच्चों की ग्रुप बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और क्लिक करके ये आपको आगे ले जाएगा। होल्ड ऑन, ये आगे पढ़ क्यों नहीं रहा। बाकी कोर्सेज के लिए भी आप ऐसे ही अपनी आंसर की देख सकते हैं, और अगर पॉसिबल है डेट है उसकी तो आप ऑब्जेक्शन रेज करिए अगर कहीं लगता है कोई क्वेश्चन गलत है और यूनिवर्सिटी ने उसका गलत आंसर दिया है या क्वेश्चन पूरी तरह से ही गलत है, उसको भी आप उस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज ए और बी हम दोनों, दो ही सीरीज यूनिवर्सिटी ने दी हैं शायद, क्योंकि दो ही की आंसर की यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, बाकी कोई अपडेट होती है तो आपको जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।